नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। नीट परीक्षा में धांधली के प्रयास में लगे सॉल्वर गैंग के सरगना पीके उर्फ नीलेश सिंह की तलाश में वाराणसी पुलिस ने रविवार को पटना और छपरा में छापा मारा। पीके के करीबियों से पूछताछ में पता लगा कि वह परिवार के साथ कोलकाता की ओर भागा है। उसने अपने सारे मोबाइल भी बंद कर रखे हैं। हालांकि दबिश के दौरान पीके की तस्वीर पहली बार पुलिस के हाथ लगी है। अब पहले मामला को समझिए। मेडिकल और डेंटल कॉलेज में प्रवेश के लिए 12 सितंबर को नीट यूजी परीक्षा हुई थी। यूपी के सारनाथ के टरिया सोना तालाब स्थित सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल सेंटर था। यहां पर बीएचयू के बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा जूली कुमारी को त्रिपुरा की हीना की जगह पर परीक्षा देते पकड़ा गया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने जूली की मां को गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ के बाद पुलिस को मऊ के ओसामा के बारे में सुराग लगा। ओसामा की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि पटना का पीके सॉल्वर गैंग संचालित करता है। इसके बाद पुलिस परत दर परत खोलने में जुट गई है। अब पीके के बारे में विस्तार से जान लीजिए। पीके ने पटना के पाटलिपुत्र में 4 मंजिला आलीशान मकान बनवा रखा है। महंगी गाड़ियों का शौकीन पीके अपनी कॉलोनी के लोगों को खुद को डॉक्टर बताता था। हालांकि कॉलोनी के किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता कि पटना में उसका नर्सिंग होम कहां है। पुलिस ने दबिश दी तो पीके की असलियत जानकर उसकी कॉलोनी के लोग सन्न रह गए। वहीं बिहार के छपरा जिले के सेंधवा गांव स्थित पीके के घर पुलिस गई तो पता लगा कि वहां उसने अपने करीबियों को खुद को बिजनेसमैन बता रखा है। ओसामा ने पुलिस को बताया था कि पीके जल्दी किसी से मिलता नहीं है, वह सिर्फ कुरियर के जरिए संदेश भेजता था। हर बार कुरियर भेजने और रिसीव करने का पता वह बदल देता था ताकि कोई उसके पते तक नहीं पहुंच सके, लोगों की नजर में ना आए। इसके लिए पीके ज्यादातर ट्रेन से यात्रा करता है। दो टीमें अलग अलग काम करती हैं और दोनों के ही लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। वाराणसी पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि पीके और उसके गैंग के लोग मेडिकल में चयनित होने के बाद पहले और दूसरे वर्ष की पढ़ाई कर रहे गरीब छात्रों को ट्रैक करते थे। उनकी आर्थिक मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें सॉल्वर बनाते थे। वहीं कैंडिडेट की तलाश के लिए दूसरा गैंग बड़ी कोचिंगों पर नजर रखता था। जिन छात्र छात्राओं का चयन नहीं होता था उनका डेटा कोचिंग से लेकर उनसे संपर्क करते थे। वाराणसी पुलिस द्वारा शनिवार को गिरफ्तार किए गए सॉल्वर गैंग के सदस्य विकास कुमार महतो और राजू कुमार ने चौंकाने वाली जानकारी दी थी। दोनों ने बताया था कि उनका गिरोह अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र और एडमिट कार्ड मंगवाने के लिए हमेशा एयर कुरियर सर्विस का इस्तेमाल करता था। इससे फायदा यह होता था कि कुरियर कंपनी का डिलीवरी बॉय कभी उनके ठिकाने तक नहीं आ पाता था। जब भी कुरियर आता था वह एयरपोर्ट जाकर उसे खुद ही लेते थे। इसके अलावा सभी सदस्य फर्जी आईडी पर लिए गए सिम कार्ड का उपयोग करते थे। एक सिम का एक हफ्ते से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। बातचीत के लिए व्हाट्सएप मैसेज और कॉल का सहारा लिया जाता था। सॉल्वर गिरोह का मास्टरमाइंड प्रेम कुमार उर्फ पीके उर्फ नीलेश सिंह एक अभ्यर्थी से 20 लाख रुपए कमाता रहा है। प्रश्न पत्र सॉल्व कराने के नाम पर वह एक अभ्यर्थी से 25 लाख रुपए लेता है। उसमें 5 लाख रुपए सॉल्वर को मिलता था। खास यह कि पीके रुपयों का लेन देन अपने खाते में नहीं करता था बल्कि अपने पिता केवीएन सिंह और अन्य साथियों के अकाउंट के जरिए लेन देन करता था। यह खुलासा पुलिस की गिरफ्त में आए विकास कुमार महतो ने किया है। विकास ने पुलिस को बताया कि पीके के साथ कई लोग गैंग में शामिल हैं जो नीट में एडमिशन के लिए छात्र उपलब्ध कराते रहे हैं। इनमें उसके अलावा लखनऊ के ओसामा शाहिद, बिहार के अंशु सिंह और बबलू शामिल हैं। अंशु और बबलू बेंगलुरु में रहते हैं। त्रिपुरा का देबू भी इस गैंग में शामिल है।
नीट परीक्षा की मूल अभ्यर्थी हिना विश्वास थी। हिना की जगह ही बीते 12 सितंबर को बीएचयू बीडीएस की छात्रा जूली कुमारी वाराणसी के सारनाथ स्थित स्कूल में नीट परीक्षा में बैठी थी। हिना विश्वास के पिता गोपाल विश्वास दवा कारोबारी हैं। गोपाल का घर त्रिपुरा में है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि पिता पुत्री की गिरफ्तारी के लिए त्रिपुरा पुलिस से संपर्क किया गया। पिता पुत्री की धरपकड़ के लिए पुलिस की एक टीम त्रिपुरा रवाना की गई है। आपको बता दें कि पुलिस अब तक की जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि बीएचयू और केजीएमयू के कुछ अन्य मेडिकल छात्र भी सॉल्वर गैंग के संपर्क में हैं। उन मेडिकल छात्रों ने ही जूली कुमारी के बारे में सॉल्वर गैंग को पूरी जानकारी दी थी। इसके बाद गैंग का सदस्य विकास सक्रिय हुआ और उसने जूली के भाई अभय से मेलजोल बढ़ाया। फिर उसने अभय के घर जाकर उसकी माँ बबीता देवी को 5 लाख रुपए का लालच देकर जूली को परीक्षा में बैठाने के लिए राजी किया। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि हम परत दर परत सॉल्वर गैंग की गुत्थी सुलझा रहे हैं। फिलहाल हमारी प्राथमिकता में पीके, हीना और गोपाल की गिरफ्तारी है। तय मानिए, इस गिरोह से जुड़ा एक भी सदस्य बच नहीं पाएगा। इस मामले में अब तक कुल 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। यहां आपको बता दें कि पटना के कई बड़े और छोटे कोचिंग संस्थान भी इसमें लिप्त हो सकते हैं, यह जांच का विषय है। बिहार पुलिस को भी इस मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। अगर जांच सही से हो तो बिहार में इस धंधे में लिप्त कई नकाबपोश के चेहरे उजागर हो सकते हैं। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। नमस्कार।